फसल तो बड़े पैमाने पर लिया जाएगा ना। लेकिन लोग कह रहे हैं सर कि गड़बड़ियां की जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है इसमें। अब जब साथ में था तो कभी बोला है ये सब बात? आजकल बोलता है, आजकल इसलिए बोलता है कि उसको आदेश दिया गया है कि सब अंड बोलो। आप नाराज हो सर? नाराज आपके प्रति बड़ा पक्षधर है, ऐसी है आप लोग के पक्ष में है। अरे आप सोचते हैं हम लोग कुछ बोले, आप उसी का फिर अंड बंड दुरुपयोग शुरू करते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा पूरी बीपीएससी के तरफ से कराई गई, लेकिन उस पर गड़बड़ी और घोटाले के आरोप विरोधी पक्ष के तरफ से यानी कि बिहार में विपक्ष के तरफ से लगाए गए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर सीधा सीधा जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक वो हमारे साथ थे तब तक कभी भी इस प्रकार का एक बात उनके तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन आज विपक्ष में हो गए हैं, विरोध में खड़े हैं, तो जो मन में आता है बोलते रहते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो काम करते थे, आगे भी करते रहेंगे। कल गांधी मैदान में 2 नवंबर को बड़े स्तर पर को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक बताया है। इसके अलावा वो क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। आप लोगों से तो हम प्रसन्नता करते हैं, आप लोगों से तो बड़ी खुशी है, आप लोगों से नाराज नहीं है। आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है केंद्र के द्वारा, इसके तो हम आपके पक्ष में हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि जब उधर मुक्ति मिलेगी आप सब लोगों को फिर वही अधिकार मिलेगा जो होना चाहिए, यही हम कहते हैं। लेकिन आप भी आपके खिलाफ कैसे बोले? भला आपके खिलाफ है, आपके तो पक्षधर में। आप नाराज हो सर? नाराज आपके प्रति बड़ा पक्षधर है। हम जानते हैं आप लोग को जो चाहते हैं वो थोड़ी करने दिया जाता है, इसीलिए कि ऊपर का जो अधिकार है वो देखता है कि किसी चीज को हम ही ना बता रहे हैं। बतवा तो मेरा समझिए ना ठीक से, उसको आपके हित में बोल रहे पूछताछ के लिए कल बुलाया है, कल बिहार के लिए अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल अरविंद केजरीवाल को कर ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए, दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया है। पहले हेमंत सोरेन थे, फिर अशोक गहलोत, अब सर। लेकिन जो शिक्षक, अच्छा सर, कल एक बड़ा दिन है, कल 2,50,000 लोग आप नौकरी देंगे, कल एक बड़ा दिन है, कल तो बड़े पैमाने पर किया जाएगा ना। लेकिन लोग कह रहे हैं सर कि गड़बड़ियां की जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है इसमें, बीपीएससी में भ्रष्टाचार किया गया है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कल जब आप जॉब दे रहे हैं घोटाला, जो लोग कह रहे हैं कि पैसा लेके नौकरी दिया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा लेके नौकरी दिया जा रहा है कल जो आप नौकरी दे रहे हैं। आप जानते हैं आज तक कितना बढ़िया से काम हुआ, जब साथ में था तो कभी बोला है ये सब बात? तो सब यही बोलता है कि ऊपर से कहा जाता है कितना बढ़िया काम हो रहा है तुम लोग खिलाफ, इसलिए उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप लोगों को जो बन रहा है छापिए, इतना बढ़िया ढंग से सबकी बहाली होती है, देखा जाता है, कह दिया जाता है एकदम बिल्कुल जो कुछ भी होता है अपॉइंटमेंट ढंग से। हम फिर न कर दिए थे जी, हम उसी को न कर दिए थे। अब पहले तो हम ही कर दिए थे कि पंचायत बीपीएससी का पंचायत और इसमें करके वो तो हो रहा था, तो इस बार तो हमने ही ना कर दिया खुद ही। बीपीएससी कितना बढ़िया से काम करके तेजी से कर रहा है, वो सब ऐसी कोई बात नहीं। इतने बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, खूब मेहनत से काम करेगा। अब पहले कुछ बोलता था, आजकल बोलता है, आजकल इसलिए बोलता है कि उसको आदेश दिया गया है कि सब अंड बंड बोलो। अब पहले एक शब्द बोला था जब निकालिए, पहले से कभी बोला था? मांझी जी भी बोल रहे थे। अरे जो बोले पहले बोला था, निकाल के देखिए ना, कल एक बड़ा दिन है, आप मानते हैं? बहुत बात है, बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, तो हम आग्रह करेंगे। अब आप लोग बात करना चाहते हैं तो हम चाहते न है कि आप मत बताइए, इसलिए कि आपको बोलेंगे तो आप ऐसी गलत बोल रहे ना कि आप लोग खिलाफ, आपके खिलाफ आप लोगों के बड़ा भारी पक्षधर हैं।
सर आपकी इंडिया गठबंधन कैसी है, आप लोग के पक्ष में है? अरे आप सर सकते हैं हम लोग उसे बोले आप उसी का फिर अंड बंड दुरुपयोग शुरू करता है। इंडिया गठबंधन तो टूट की बात कही रहे हैं, लगातार केंद्र सरकार जो कर रही है कि आप लोग का कोशिश बेकार जाएगा। आपका बड़ा भाई नाराज नहीं ना सर? हम नाराज नहीं, बच्चा सब तो हम खुश है, बात तो समझिए। हम जो क्या बोलते हैं आप लोग के पक्ष में ना बोलते हैं, नाराज नहीं आपसे, आप पर जो बिना मतलब का कंट्रोल करके आपसे उल्टा पुल्टा करता है उससे ना आप लोगों को बता दे रहे हैं यही हालत है। आपसे क्या नाराज, कल एक बड़ा दिन है, कल एक बड़ा दिन है बिहार के लिए, कल एक बड़ा दिन है बिहार के लिए बड़े पैमाने मोदी भी। तो अभी आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है, खासकर बिहार में जो बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई गई और रिजल्ट के बाद से जिस तरीके से लगातार बिहार में विपक्षी पार्टियां जो हैं खासकर एनडीए खेमा इस भर्ती परीक्षा में घोटाले की गड़बड़ी की आरोप लगातार लगा रही थी और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधा सीधा अपना जवाब दिया है। आपको बताएं कि राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे। मंच से उन्होंने एक बार फिर से मीडिया के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वहां उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में काम हो रहा है वो खुद तमाम बिहार के विकास से संबंधित काम कर रहे हैं लेकिन मीडिया उनके कामों को नहीं दिखाता है। और नवनियुक्त शिक्षकों को गांधी मैदान में जो बड़े स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है उसको भी उस हिसाब से ना दिखाया जा रहा है ना छापा जा रहा है। बाहर जब मुख्यमंत्री निकले तो उनसे मीडिया से नाराजगी को लेकर सवाल किया गया, उन्होंने कहा देखिए कोई आपसे नाराजगी नहीं है, आप पर बंदिशें हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरीके के बात करते रहते हैं और बताएं आपको कि बीते दिन भी मीडिया से थोड़े वो नाराज हो गए थे जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के साथ उनकी दोस्ती यारी को लेकर मीडिया में खबरें चली थी, लेकिन आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो गड़बड़ी और घोटाले के आरोप उनके सरकार पर लग रहे थे उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक वो लोग हमारे साथ थे कभी एक सवाल उन्होंने इस तरीके का नहीं उठाया, लेकिन आज जब विपक्ष में चले गए हैं विरोध में हैं तो लगातार इस तरीके के बयान देते रहते हैं, कोई धांधली नहीं हुई है, सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ है। और कल गांधी मैदान में जो नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण है वो काफ़ी ऐतिहासिक होने जा रहा है। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।